हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा गार्डन में छत में पानी डालकर आई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग का काम हो गया, आज है गुरुवार और पूजा वूजा सब कंप्लीट। और अभी मैं पौधे वौधे में पूरा पानी देकर आई हूँ। तो चाय भी मैंने पी लिया है। हमारा जो टॉमी है देखो, जाने के लिए तैयार। कहाँ जाएगा? भात नहीं खाएगा? भात खबी आशा। पूजा वूजा मैंने कंप्लीट कर दिया है, अभी भी बत्ती जल रहा है देखो। हो गया कंप्लीट और मैंने चाय वगैरह भी पी लिया, चाय बिस्कुट सब हो गया मेरा कंप्लीट। अभी खाना उना बनाना है। तो अम्मी खाना नहीं खाएगा? चलो भात खा लो। सब कुछ काम ऑलमोस्ट साफ उफ सब हो गया है। कल रात को पूरा फूल वगैरह जितना था सब मैंने धो के पूरा साफ करके रात को फिर दे दिया। बहुत धूल हो जाते हैं। और ब्रेड निकाल के मैं रखी हूँ, देखती हूँ क्या खाऊंगी, तो सोचती हूँ। और दाल मैंने यहाँ पे भिगो के रखा है, या तो दाल बड़ी बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ। सोचा नहीं, आज गुरुवार है, निरामिष है। तमी खिड़की वगैरह आप बंद नहीं करोगे तो पूरा यहाँ पे हमारा पड़ोस में घर बन रहा है। देखो इन लोगों का काम शुरू हो चुका है। अच्छा ही लगेगा, पड़ोसी अगर घर में आते हैं तो आना जाना रहेगा। टॉमी को देखो पलंग में मैं एक कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि उसका जो बालू है अगर वो उठेगा तो फिर वो झाड़ दूँगी। तो ये भी बिस्तर वस्तर मैंने क्लीन सब कर दिया है। यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग टेबल को उस रूम में थे तो अभी यहाँ रखी हूँ। अच्छा लगता है बाहर निकल के थोड़ा सा देखने से। टमी कौन आया? टमी बोको बोको मोटरसूटी कत करे? मोटरसूटी 16 টাকা 100। वाह वाह, আমাদের আছে বীজ। হ্যাঁ ওই অল্প কটা আছে, শেষ হয়ে গেছে। 100 দাও, বেশি লাগবে না। বেশি ছিল 250 ছিল, দিয়ে দেবো। এই 35 টাকা দাও, লাস্ট টাইম আর কি বলবো, 40 আর 35 দাও। तो दोस्तों सब्जी मैंने ले लिया है। तो मैं बाहर थी तो सब्जी वाला जा रहे थे, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं लिया हूँ। तो अभी सब्जी बनाएंगे। तो थोड़ा सा दाल जो मैंने पीसा था पीस लिया है, उसको जो भिगोया था उसको अभी बड़ा बनाएंगे। बड़ा मतलब बड़ी जैसे मैंने पकौड़ा टाइप बनाएंगे। उसके बाद में आलू डाल के उसको बनाएंगे। बिल्कुल प्याज और आपका लहसुन वसन कुछ नहीं होगा। तो देखिए मैंने भून लिया है और यहाँ पर आलू में फ्राई कर दिए और मसाला मैंने पीस लिया है। इसमें टमाटर है, अदरक है, हरा मिर्च है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, मैंने पीस लिया था। अब यहाँ पे जीरा तेज़पत्ता दे के आलू को भून के उसका पर मैं मसाला डाल दी हूँ। और जो पाउडर मसाला है बाद में डालेंगे, पीसा हुआ मसाला डालते हैं। इसमें टमाटर भी दिया था। देखिए तो हमारा मैंने हल्दी नमक वगैरह सब कुछ हमने दे दिया था और अच्छे से हमने भून लिया तेल छोड़ने तक। देखिए अभी कढ़ाई में नहीं चिपक रहे, मतलब हमारा जो मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं गर्म पानी इसमें डालूंगी, ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। गर्म पानी आप अगर आप डालोगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, ठंडा पानी से थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आप लोग कभी भी बनाने से गर्म पानी ज़रूर यूज़ कीजिए। गुनगुना पानी देने से भी होगा, ज़्यादा उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उबला हुआ देने से अच्छा ही है, अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सा गर्म। तो उबाल जैसे आ जाएंगे तो मैं इसमें जो दाल का पकौड़ा है वो मैं डाल दूंगी। मैंने तो 2-4 ऐसे भी खा भी लिया है, बहुत टेस्टी बना है। तो देखिए उबाल आ गया और थोड़ा सा जो पानी है वो कम भी हो गया। तो अभी जो कड़ी है तो अभी लिमिट में है। तो अभी देखिए मैं बड़ी डाल दिया हूँ और इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला के उसको पकने देंगे। तो
तो अब मैं हो गया है। अभी देखिए जो धनिया पत्ता मैंने चॉप करके रखी थी मैंने वो डाल दी, और अभी मैं स्टैंडिंग टाइम इसको दे दूँगी, उसके बाद मैं गर्मा गर्म बहुत मज़ा आएगा खाने के लिए। तो दोस्तों मेरा आज जो ब्लॉग है कैसा लगा आप सबको बताइएगा ज़रूर, बहुत छोटा सा एक ब्लॉग दिया हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, और मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, तो बाय बाय, सी यू अगेन।